जिला कांग्रेस नेताओं ने सोलन मुख्यालय पर सतपाल द्वारा की गई टिप्पणी पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता रमेश चौहान, जिला अध्यक्ष शिव कुमार सहित कई नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इन नेताओं ने भाजपा व सतपाल सत्ती के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व चुनाव आयोग से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रमेश चौहान ने कहा कि जब से प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने चुनाव की कमान संभाली है, तभी से भाजपा के होश उड़ गए हैं। वह प्रदेश के मंत्री जयराम ठाकुर व सतपाल सिंह सत्ती का सिंहासन डोल रहा है। उन्होंने कहा कि वह चुनाव आयोग व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मांग करते हैं कि अभद्र टिप्पणी करने वाले इस नेता पर कार्रवाई की जाए। आज का जो मौसम है वो गर्मी का दिन है। हम सभी लोग जानते हैं कि गर्मियों में जीव जंतुओं के ऊपर कई किस्म के जो है वो गर्मी की झेल मार पड़ती है, और सतपाल सत्ती के ऊपर जो है कई किस्म की मार है। एक तो गर्मी, ऊना के ऐसी जगह के रहने वाले जहां हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, ऊपर से जब से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी मैदान में कूदे हैं, उसके बाद से सतपाल सत्ती और जयराम ठाकुर जी की दोनों की जो कुर्सी है वो डगमगाती हुई नजर आ रही है, और हार नजर आते हुए जो है ऐसे अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। और मैं ये जानना चाहता हूं और ये बोलना चाहता हूं, भारतवर्ष की भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष अमित शाह जी से कि वो उन्हें इमीडिएटली इस अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए जो है वो निष्कासित करें, वरना उन्हें पता है कि जो ये हीट है ये दोनों के ऊपर गिरने वाली है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस चारों सीटें जीतने वाली है, जयराम की कुर्सी भी और सतपाल सत्ती की कुर्सी भी जो खतरे में है। उस मौखलाट में इस तरह की जो है अनाप शनाप बयानबाजियां कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस का जो ये प्रदर्शन है वो हिमाचल प्रदेश में राजनीति का जो स्तर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने गिराने की कोशिश की है उसके खिलाफ है। उन्होंने जिस तरह के अपशब्दों का राजनीति में अभद्र भाषा का जिस तरह से प्रयोग किया है, हम उसकी निंदा करते हैं, और हम प्रदेश सरकार में जो इनके नेता है उनसे मांग करते हैं कि वो इसको बर्खास्त करें, हम प्रदेश अध्यक्ष को बर्खास्त करें, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। मैं समझता हूँ जब से दिल्ली में इनकी सरकार बनी है और प्रदेश में इनकी सरकार बनी है, इन्होंने किसी मौके पे कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा राजनीति का स्तर गिराने की कोशिश ना की हो। राम शहर में जिस तरह से उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस तरह के अपशब्द उन्होंने हमारे नेता के खिलाफ बोले, हम कांग्रेस उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मांग करते हैं निर्वाचन आयोग से, हम मांग करते हैं इसकी निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं कि तत्काल इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम और सभी के सभी कांग्रेसियन इसकी घोर निंदा करते हैं। सोलन से अशोक की रिपोर्ट।